सुबह बखैर। और अभी जो वक़्त हो रहा है वो हो रहा है जी 12 का। मेरी जब वो तबीयत नहीं थी ठीक, रात से सोया नहीं जाता, 2-3 दिन हो चले बुखार वगैरह। और अभी जो वो हिजमत लोगों ने मुझे वापस उठाया है, तो मैं सोचा कि ना आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर दी जाए। तो अभी चलते हैं बाहर को, जाते हैं मुँह हाथ धोते हैं। वैसे एक चीज़ तो है यार, पता नहीं लोग कैसे इतने जब वो फ्रेश उठ जाते हैं। मेरे तो बैंड बजी होती है, अभी मुंह पे हल्का फुल्का हाथ हूँ मार के, तो फिर जो मैंने वीडियो स्टार्ट किया ये बंदो, लेकिन फिर भी जो है वो बुरी हालत ही पड़ी है, और सर दर्द जो है वो भी बाकी है। खैर चलते हैं बाहर, सभी बाहर बैठे हैं, मैं इधर अकेला अंदर क्यों बैठा रहा हूँ। ये शोर से आपको अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि सभी दोस्त जो वहाँ बैठे हैं जाकर। आकाश मियां गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम। भाई मुबारक जो है वो रेसिपी बनाना शुरू हो गए। की बना रहे हो? देखी जो बनेगा फिर सरप्राइज। पहले मेनू पता है। दिन के जो है वो 12 बज चुके हैं और अभी तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसा लग रहा है सुबह के कोई 6-7 बजे में, क्योंकि आसमान पे सूरज जो है वो तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि धुंध के बीच में से थोड़ी बहुत रोशनी जो है वो आ रही है। मौसम काफ़ी मज़े का है, मतलब मज़ा आ रहा है, मज़ेदार सब कुछ है अगर तबीयत सेट हो तो। लेकिन जब इस तरह से होते फिर हवा लगे सर्द ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, कि मेरा ख्याल है कि मुझे ठंड लगी हुई है, ठंड के बाद बुखार हुआ है और काफ़ी हद तक बैठा हूँ। मैं मेडिसिन ज़रा कम यूज़ करता हूँ, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता मेडिसिन खाना, इसलिए मैं ज़रा एक दो दिन लटका लेता हूँ बीमारी को। थोड़ी वीकनेस भी हो जाती है, या आप चेहरे पर खिंचाव नज़र आ रहे हैं आप, लेकिन यह है कि फिर भी मेडिसिन से मैं ज़रा परहेज ही करता हूँ। हमारे छोटे मिस्टर साहब जो है वो बड़े जोर शोर से जो है वो काम कर रहे हैं। ऐसे मुशफ कर क्या रहे हो आप? तो जी ईंटे तोड़ है, इतने मुश्किल से लोग ईंटे बनाते हैं, मोहम्मद शेफ ईंटे तोड़ता जा रहा है। क्यों तोड़ रहे हो? क्यों तोड़ रहे हो? कहाँ क्या करना है? क्या बनाना है? फर्श बनाना है। तो जी फर्श बनाना है वहाँ पे, तो उसके लिए हम जो है वो ईंटे तोड़ रहे हैं, है ना? तोड़ तो जाओ फिर। ओ तोड़ दिया आखिरकार। सूरज ने जो है वो हल्की सी आंख खोली है और अभी जो है वो तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं, उसके बाद वैसे जो है वो शाम हो जानी है, इनकी सूरज ढल जाना है। लेकिन ये है कि ना होने से कुछ होना बेहतर होता है, उस हिसाब से सूरज के 2 घंटे भी जो है वो भी काफ़ी हैं। एटलीस्ट ये है कि एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, हवा जो है वो हालांकि काफ़ी ठंडी चल रही है, लेकिन फिर भी जो सूरज की तपिश है वो एक अपना असर रख रही है। मुझे यह को मजा आ रहा है जी हाँ, बड़े मजे के मजा आया। मुझी हाँ जब वो बड़े मजे से पकौड़े एंजॉय कर रही, खा लो खा लो। अब मोहम्मद शाह जो है वो माल्टे एंजॉय कर रहा है। हाँ जी जी हाँ खा लो खा लो। मुझे आप मजे के माल्टे मीठे हैं खट्टे हैं? मीठे हैं। तो छिलके उधर क्यों फेंक रहे हो? अमरूद जो है वो काट के उसके ऊपर लेमन लगा कर रखा है बड़े मजे से, साथ में जो है माल्टे खा रहे हैं। मुझे हाँ जब पकौड़ों में मस्त हो गई है, खा लो खा लो, छारे खा लो, मम कर दो।
मगरिब की अजान जो है वो हो गई है और मैं जुहेब को लेके इधर आ गया था क्योंकि उन्होंने जो है वो दूध धोना था, टाइम ऊपर हो रहा था तो इसलिए मैं इधर आ गया। और जुहेब साहब जो है वो दोनों दोनों हाथों से दूध धो रहे हैं, भैंस का, उसके बाद गाय का, फिर दूसरी गाय का, और फिर जो है वो तब तक होप्सो भाई मुबारक लोग भी आ जाएंगे और फिर प्लान बन रहा शॉपिंग करने जाने का। अब मेरी तबीयत तो मुझे इजाज़त नहीं दे रही कि मैं जाऊँ, लेकिन देखते हैं कि क्या बनता है, पता नहीं जाते हैं कि नहीं जाते हैं। मैं इधर फारिग ही खड़ा था तो मैंने जो है वो जेब साहब से बोला, मैं कि मुझे एक मिसवाक उतार दें ताकि मैं जो है वो दांत साफ़ करता रहूँ और तब तक जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। चलो, उसने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया, मैंने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया, मगर जो जिस काम के लिए इनके जिस मकसद के लिए हम लोग अपने काम कंप्लीट कर रहे थे वो मकसद फुलफ़िल नहीं हो सका। और अभी जो है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक सिचुएशन कुछ ये हुई है कि शॉपिंग करने जाना था इन्होंने, लेकिन यह है कि प्लान कैंसिल हो चुका है और ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इससे पहले कि ठंड जो है वो इंतहाई ज़्यादा हो जाए मैं निकलता हूँ घर के लिए। और ये आप जो आगे इस तरह से मूवमेंट आ रही है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धुंध जो है वो पड़ना शुरू हो गई काफ़ी तेज़। तो वही हुआ जिस चीज़ का ख़तरा था मुझे, बाइक जो है वो गीली हो गई है यार। अच्छा ये देखिए टैंकी भी, हाँ टैंकी भी गीली हो चुकी है, सेम ये चक्कर कितनी धुंध है वो पड़ चुकी है, बस कुछ ही टाइम हुआ है इसको और गर्द भी जैसे जैसे बिल्कुल जम गई हुई है। बस इस पर बंदा कुछ ना कुछ शेप भी बना सकता है, लाइक व्हाट ये लिखते हैं वो लिखा गया, वैसे इसका तो एस भी बन सकता है ना, इसका एस बनाते हैं एस सरेरा। ऐसे ए एस ए डी किसका बनाएं, इसका ही बनाते हैं डी असद। मेरा नाम पूरा हो गया। वैसे अक्सर जब हम बचपन में इस तरह के खेल काफ़ी खेला करते थे और काफ़ी जब इन्जॉय करते होते थे। और शॉपिंग तो जो है वो कैंसिल होगी, जेब साहब का मीटर जो है वो इस टाइम फुल घूमा हुआ, चेहरे पे आर्टिफिशियल स्माइल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर तो अब इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला के हर काम में जो है वो बेहतरी होती है, हमें जो है वो सब्र शुक्र के साथ अपना वक्त गुजारना चाहिए और जो हो जाए उसमें खुश होना चाहिए, ठीक है जेब साहब, खुश खुश रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, सब्र सब्र के साथ। तो आप लोग भी जो है वो खैर तो अभी जब हमें दे इजाजत, हमने मोटरसाइकिल की लाइट ऑन करके और ये फ्लैश जेब साहब का देखिए मोटरसाइकिल की लाइट, इस पे जो है वो वीडियो का इख्तिताम कर रहे हैं, सदा खुश रहें आप, अल्लाह हाफिज। अच्छा जेब साहब वो कीप स्पोर्टिंग वाला जो जुमला बड़ा मजेदार बोल रहे हो, साड़ा केड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लो दोबारा, तो मैं असद अली एव जेब साहब पर साडा जो ना सरेड़ा चैनल सबसक्राइब करो तो अपने दोस्तों जरूर शेयर करे जे, इस टाइम दिमाग को मैं कुछ नहीं याद आ रहा, अल्लाह हाफिज़।